लोगों को एटलीस्ट आप लोग 12th तक साइंस कराइएगा। तुम अच्छे बच्चों, साइंस ले लो। किसी को 11th 12th में आर्ट्स लेते हुए पाओगे। और बेटा तुम ठीक ठाक हो, तुम कॉमर्स ले लो। और भाई तू तो आर्ट्स ही ले ले। तो कौन सी स्ट्रीम बेटर है वो डिपेंड करता है आपका इंटरेस्ट किस में। बढ़िया से डिफरेंशिएशन कैलकुलेशन नहीं आता, वो भी अपना IIT टॉप रैंक का उसमें सपना देख के। हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में भाई आपके जो मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन है, सबसे बड़ी डाउट जो आपके सर पे बैठे हुए हैं ना, उसकी सॉल्यूशन हम करने वाले हैं कि क्या भाई कि 11वीं में कौन सी सब्जेक्ट जो है चूज करना चाहिए, कौन सी सब्जेक्ट लेना चाहिए। इस पर हम एक डिटेल देखने वाले, एक वे बताने वाला हूँ कि कैसे आप करेक्टली डिसीजन ले सकते हो, क्योंकि एक डिसीजन आपको डुबा सकता है और एक डिसीजन आपको उबार सकता है, आपको आपके टारगेट तक पहुंचा सकता है ना। आपको देखो, एक ऐसी डिसीजन है ना कि इसकी पछतावा हमें हमेशा रहने वाले। अरे अगर मैं वो दिन आर्ट लेके पढ़े रहता हूँ तो आज मैं यहाँ रहता हूँ। मोर दोस्त मन साइंस लेके पढ़े ना, तिखर स्थिति आज उमन यहाँ जॉब कर रहे थे, ये कर रहे थे। कॉमर्स लेके पढ़े ना, इसलिए आज उन लोग का लाइफ मस्त है। मैं ही बेवकूफ़ था, बेवकूफ़ थी जो ये लेके पढ़ा, ये लेके पढ़ी, ऐसा आपके दिमाग में आएगा। इसलिए मैं भाई एज आपका एज अ मेंटोर आपके, क्योंकि क्लास 10th हम पूरे साथ दिए हैं आपके, हम साथ में मिलके मेहनत किए, तो कहीं ना कहीं हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको क्लास 11th में भी सही डिसीजन के साथ, राइट डिसीजन के साथ, आपको सही सब्जेक्ट के साथ आगे बढ़ाऊँ। तो कम्प्लीटली इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आखिर भाई बायो लेंगे, मैथ्स लेंगे, कॉमर्स लेंगे या आर्ट लेंगे या एग्रीकल्चर लेंगे। कम्प्लीटली आप लोग जो है डिसाइड कर पाओगे इस वीडियो के बाद से। तो वीडियो को बहुत ध्यान से अंत तक देखना और पूरी चीज़ों को आप लोग समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो भाई चलो बढ़ते हैं आगे इस वीडियो में। तो देखो, एक ऐसी डिसीजन है ना, आपको सबका सुनना सबका है। आपको भाई भैया जो बोला थोड़ा भी सुन लो, मम्मी जो बोला थोड़ा भी सुन लो, पड़ोसी जन बोला था ना तीनों सुन लेवा, और दोस्त ना कहा थे नहीं यार इधर ही हमारा आर्ट लेख पढ़बो कहा थे तो ओखरो सुन लेख पे, कॉमर्स लेके पढ़बो कहा तो ओखरो। सुनना सबके है लेकिन करना अपन मन के, ठीक है। सुनना आपको सभी का है, ऐसा नहीं कि नहीं अपने मन, अपनी मन मानी आपको फाइनल डिसीजन पे करना है। पहले तो सुन लो सबका, जैसे आप मेरा सुन रहे हो ना, वैसे आप सबका सुन लो, जो बोल रहे कर, जैसे जिनके सब, क्योंकि अब जाहिर सी बात है आप आर्ट वाले सीनियर से पूछोगे तो वो क्या बोलेंगे, या तो अगर उनकी पढ़ाई अच्छी खासी हो रही होगी ना तो बोलेंगे आर्ट लेके पढ़ा भाई करके, है ना। और ख़राब हो रही नहीं, आर्ट मत ले, लाइफ बर्बाद करना था, क्योंकि लोगों का सोच अलग अलग होते, हर किसी का सोच अलग होता है। इसलिए आपको कई लोग बोलेंगे कि ये सब्जेक्ट ख़राब है, इसमें स्कोप अच्छा है, इसमें ये है, उसमें वो है ना। तो देखो, आसान है, कठिन है, ये बातें भी आती रहती है। तो आपको डिसीजन लेने के लिए ही ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, ताकि आप एक करेक्टली डिसीजन ले पाओ, ठीक है। तो फिर चीज़ों को भी समझते हुए बढ़ना है आपको, ठीक। हमारे पास देखो, मैं चॉइस करने के लिए आपको 3 स्टेप्स में बताऊँगा, स्टेप 1, 2 और 3। तो तीनों स्टेप्स को आप लोग समझते चलो कि 1 by 1 की इसमें है क्या। सबसे पहला देखो, इंटरेस्ट, जिसमें आपका इंटरेस्ट है ना भाई, रुचि, उसी सब्जेक्ट को सबसे पहला कंडीशन है इंटरेस्ट। अगर इंटरेस्ट नहीं रहेगा ना किसी भी सब्जेक्ट में तो आपको ले डूबेगा। मैं जानता हूँ कि मेरे एक दोस्त है, उस दोस्त को मैथ्स पसंद था, फिजिक्स पसंद था, बट केमिस्ट्री की उसको सी भी पसंद नहीं था, बिल्कुल जरा सा भी नहीं। तो सिर्फ उस केमिस्ट्री की वजह से उसको 11th भी बर्बाद हुआ, क्योंकि कोई आप बोलते ना दाग अच्छे होते करके, दाग अच्छे नहीं होते भाई, वो दाग हमारे लिए खराब होते, वो केमिस्ट्री उसके अंदर दाग था। उस चीज़ से वो 12th में भी नहीं उभर पाया, क्योंकि अगर किसी सब्जेक्ट की डर हमारे अंदर घुस जाए ना तो वो बाहर निकलना बहुत मुश्किल होती है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको, जिस भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो, क्योंकि इंटरेस्ट कैसे पता चलेगा, अब भाई 9th पढ़े हो, 10th पढ़े हो तो आपको पता है कि कौन सी सब्जेक्ट को पढ़ने में आपकी नींद भग जाती है, कौन सी सब्जेक्ट को पढ़ने में आपको नींद आती है, कौन सी सब्जेक्ट है जो आसानी से आपको समझ आती है, कौन सी सब्जेक्ट में आप अच्छे से मार्क्स स्कोर किए हो, कम मेहनत करके भी आप उसमें अच्छे से अच्छा किए हो, तो वो चीज़ें आपको समझना पड़ेगा, क्लियर है। इसलिए आप सबसे पहले अपना इंटरेस्ट फाइंड आउट करो कि कौन सी सब्जेक्ट है जो जिसमें आपका इंटरेस्ट है, ठीक।
फिर नेक्स्ट वन जो है हम सेकंड चीज जो है देख लेते हैं क्या भाई, समझते हैं सेकंड चीज में स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ आप देखो इंटरेस्ट हो गए, इंटरेस्ट भाई ऐसा तो इंटरेस्ट क्या होती है, आपको तो धोनी जैसे क्रिकेट खेलना भी आपका इंटरेस्ट हो सकता है, बट उसके लिए आपको स्ट्रेंथ जो है बढ़ाना पड़ेगा। बिना स्ट्रेंथ के आप लोग जो है उसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इंटरेस्ट तो हम कभी भी किसी भी सब्जेक्ट में बना सकते हैं, आपको उसको एज अ स्ट्रेंथ बनाना पड़ेगा। स्ट्रेंथ का मतलब ये कि उस सब्जेक्ट में आप परफेक्ट हो रहोगे और अंतिम तक ये चीज़ें आपको समझना पड़ेगा, क्लियर। फिर ये इंटरेस्ट और स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब उसमें आपको पूरी तरीके से पकड़ बना के रखना है उस सब्जेक्ट में, ठीक है। अब जिस भी फील्ड में हो तो उस फील्ड में आपको, चाहे आप साइंस में जा रहे हो तो साइंस की अच्छे सी पकड़ होनी चाहिए, है ना। बेसिक मैथ्स, मैथ्स के लिए बेसिक क्लियर पता चल रहा है आपको, कैलकुलेशन ही नहीं आ रही है, अब प्लस माइनस ही नहीं आ रहा है, और मैथ्स लेके पढ़ना चाहोगे आप डर जाते हो, घबरा जाते हो मैथ्स की क्वेश्चंस देखते ही, तो वो आपकी स्ट्रेंथ नहीं है भाई। इंटरेस्ट हो सकती मैथ्स बनाने में, आपको अच्छा लग सकता है, बट आप उसमें अपना 100% नहीं दे पा रहे हो, तो वो आपकी स्ट्रेंथ बिल्कुल भी नहीं है। इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट वन थिंग जो है हम समझते हैं वो क्या है भाई, नेक्स्ट चीज़ कैरियर। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, क्योंकि इसके बिना ना, जब तक आपके पास आप पढ़ लिए, पढ़ोगे तब तक तो लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे, इज्जत करेंगे, लेकिन जैसे ही सपोज दैट आप कुछ भी पढ़ लिए उसके बाद आप खाली बैठोगे, तो धीरे धीरे आपके लोगों की जो मेंटेलिटी है, उन लोग नहीं सोचेंगे आपके दिमाग में आने लग जाएगा कि अरे मैं खाली बैठा हूँ, पढ़ लिख के क्या किया हूँ, मतलब इस टाइप से। इसलिए आप एक चीज़ इंटरेस्ट उसी पर बनाओ जिस पर आप जॉब करना चाहते हो, इन फ्यूचर अपने आप को जिस जगह पर देखना चाहते हो कि भाई मुझे IAS बनना है, IPS बनना है, मुझे CA बनना है, ठीक है, मुझे वेब डिज़ाइनर बनना है, मुझे ग्राफिक डिज़ाइनर बनना है, मुझे एप्लीकेशन डिज़ाइन करना है, मुझे बड़ा बड़ा गेम बनाना है, ऐसे बड़ा बड़ा सा कहा जाए तो वेबसाइट्स क्रिएट करना है, हैकर बनना है, बैंक में काम करना है, वो आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो ये तीन बेसिक पॉइंट है, ये मेरे हिसाब से, मैं फुल एनालिसिस के साथ ये वीडियो बना रहा हूँ, अगर ये तीनों चीज़ को ध्यान में रखोगे ना मेरे भाई मेरे बहन, आप कभी भी पछताओगे नहीं, और कभी भी आपका डाउन कभी भी नहीं जाने वाला। इसलिए तीनों चीज़ को ध्यान में रख करके सब्जेक्ट आपको चूज करना है कि भाई मुझे ये वाली सब्जेक्ट लेना है कि ये वाली, ठीक। तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं वीडियो में भाई। तो ये तो बेसिक चीज़ें रहा जिसको आपको तीन पॉइंट गांठ बांध के रख लो, इन चीज़ों को ध्यान रखना ही है, बाकी आप बाकी चीज़ को रखोगे सो रखोगे कि मोर दोस्त था वो आर्ट लेवल था महूल हाँ, मोर दोस्त था साइंस लेवल था महूल हाँ, वो अलग बात है। मम्मी पापा ने बोली ना बेटी अकेला का है आर्ट लेबे, अगर तो दोस्त मन कॉमर्स लेता तहूँ ले ले, तो सहेली मन है साइंस लेवल था तहूँ ले ले, ये मम्मी पापा मन बोली, उमन बोली उमन अपन फर्ज निभाई, कार की मम्मी पापा को फर्ज वो थे आप मल्ला समझाए कि एक्सपीरियंस देके, ठीक है, लेकिन अपना डिसीजन आपको खुद लेना है, मम्मी पापा को बताना है, मम्मी पापा है वो समझ जाएंगे आपको, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें उसको समझना। फिर और भी चीज़ें हैं जैसे कि विषय चुनने, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, विषय चुनने से पहले ध्यान रखने वाली बात है, इसको भी जैसे वो तीन पॉइंट है ना, तीन के बाद ये मेरी पाँच रूल जो है ये नोट करके रख लो, हमेशा याद रखना, कभी भी ये चीज़ें आपके लिए फैल नहीं हो सकती। अब देखो सब्जेक्ट वो चुनने के लिए बेसिक चीज़ें हैं, और भी क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। स्कूल भाई, आप जिस स्कूल में पढ़ने वाले हो उस स्कूल के बारे में पता होना चाहिए, बेसिक नॉलेज कि हाँ वहाँ वो सब्जेक्ट है, तो उस सब्जेक्ट में आप सीनियर से पूछ सकते हो कि स्कूल में पढ़ाई किस तरीके से होती है, क्योंकि अगर स्कूल में पढ़ाई अच्छे से नहीं होंगे ना, या ठीक ठाक नहीं हुआ, तो आपका कितना भी इंटरेस्ट रहेगा आप उस पर डूब जाओगे। और आप मान के चलो कोई सब्जेक्ट आपको पसंद नहीं, लेकिन टीचर मज़ेदार मिल गया ना भाई, वो सब्जेक्ट तो आपके लिए क्या पानी बन जाएगा, है ना, यूं ही पियोगे उसको फिर। इसलिए स्कूल का भी देखना जरूरी होता है कि स्कूल कैसी, वहाँ कैसे टीचर्स कैसे, जैसे कि अभी मैं बोला ना, होते कई टीचर सब्जेक्ट को आसान बनाने में, कई टीचर आपको किसी भी एक टॉपिक को इतनी आसान तरीका समझाएंगे कि आपको कितना भी हार्ड सब्जेक्ट रहेगा वो यूं ही आपके दिमाग में घुस जाए। तो टीचर, और टीचर के दो पॉइंट, एक तो टीचर, और टीचर की सजेशन जरूर ले लीजिए एक बार, क्योंकि टीचर आपको जानते हैं, है ना। जैसे सपोज दैट मैं आपके टीचर
टीचर हूँ, आपको मैं साल भर पढ़ाऊँ तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आपकी स्ट्रेंथ कौन सी सब्जेक्ट में, आप कौन सी सब्जेक्ट को बेटर कर सकते हो और कौन किसी सब्जेक्ट के लायक आप हो कर मैं बता सकता हूँ। इसलिए एक बार अगर आपके पास चांस हो, मौका हो, तो एक बार टीचर से जरूर पूछ लेना, सर मैम मैं कौन से सब्जेक्ट ले सकता हूँ, मैं कौन से सब्जेक्ट के लायक हूँ। हालांकि आपको लेना है, आप मैम टीचर का भी एक बार सजेशन ले सकते हो और टीचर के अकॉर्डिंग भी जरूर जाओ आप लोग। फिर फैमिली बैकग्राउंड में नेक्स्ट वन जो है मूव ऑन करना है आपको, थोड़ा सा सोच लेना फैमिली बैकग्राउंड का। फैमिली बैकग्राउंड बोलने का मतलब ये है कि जैसे कि किसी के घर में ना मान के चलो डॉक्टर रहते हैं, तो क्या डॉक्टर रहते हैं मतलब कहीं ना कहीं आपके लिए एक चीज श्योर हो जाता है कि अगर आपका कहीं गवर्नमेंट जॉब नहीं लगता है तब भी आपका कहीं ना कहीं आपके फैमिली में कोई डॉक्टर है तो वहां से आपको हेल्प हो जाएगा। इंजीनियर है मतलब आपको वो इंजीनियरिंग पोस्ट में लगा ही देंगे। अगर किसी कंपनी में काम करते हैं ना आपके फैमिली में कोई भी भैया भाभी दीदी कोई भी पापा मम्मी कोई भी, तो वो जरूर आपको वहां पर लगा देंगे। इसलिए उस बैकग्राउंड को भी याद रखना अगर आप हो तो। नहीं बैकग्राउंड अगर नहीं है भाई मेरे मम्मी पापा कुछ नहीं करते, कुछ जॉब में नहीं है मतलब, तो कुछ चीज़ों को समझना पड़ेगा आपको, है ना डिसीजन। फिर फैमिली कंडीशन में आपको एक चीज़ ये पता होना चाहिए आप फैमिली की जो इकोनॉमिक कंडीशन होती है ना कि घर में कितना पैसा हवा है, आप लोग कितना पढ़ा सकते, ये बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए कि मतलब आजकल उतना ज़्यादा पैसा नहीं लगा है, लेकिन फिर भी कि अगर नौबत आ गई अगर 11वीं 12वीं या 12वीं के बाद कॉलेज ला बाहर में रह के पढ़े भर तो का पढ़ा सकते घर वाला, तो वो बेसिक चीज़ ला भी ध्यान में रखना है भाई। क्लियर। फिर अपन आगे बढ़ते लोकल रिसोर्स। लोकल रिसोर्स बोलने का मतलब ये है कि जैसे कि सपोज दैट आपके एरिया में आपके गांव के आसपास कोई बड़ी सी कंपनी है, तो भाई मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप ऐसे पढ़ाई करो कि आप उस कंपनी में लग सको, क्योंकि आपके जो चांसेस है एज अ लोकल पर्सन वहां पर आप जॉब कर सकते हो, ठीक है, तो उस लेवल की आप पढ़ाई करो, तो ये लोकल रिसोर्स है। और सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस भाई जिस भी सब्जेक्ट में आप कॉन्फिडेंट हो ना कि दो दिन भी पढ़ के आप पेपर में फोड़ सकते हो, दो दिन की क्लास से भी आप पूरी कॉन्सेप्ट समझ सकते हो, वो चीज़ है सेल्फ कॉन्फिडेंस। क्योंकि आप ले तो लोगे, बैठ गए कॉमर्स की क्लास में आपको कुछ समझ आ नहीं रही है ना, तो ये चीज़ें हैं। और भाई आजकल देखो सब्जेक्ट चूज करने में बहुत आसानी होती है कि कौन समझ आ रहा है कौन, पहले लोग क्या करते थे, पहले 15 दिन वो क्लास में बैठ जा, 15 दिन आर्ट में बैठ जा, 15 दिन साइंस में बैठ जा, उखर बाद डिसीजन लेबे कौन में बैठना है करें। लेकिन अब तो भाई 15 दिन की जरूरत नहीं, आप यूट्यूब में एक दिन में डिसीजन ले सकते हो, यूट्यूब में एक दिन में आप 3 से 4 चैप्टर देख सकते हो किसी भी सब्जेक्ट, उससे आपको पूरा पता चल जाएगा कि भाई समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है करके, है ना, तो ये आपके टाइम बच गई है। तो फिर हम पूरी चीज़ों को तो देखेंगे वन बाय वन, पूरे सब्जेक्ट का देखेंगे, इसलिए वीडियो को अभी भी छोड़ना नहीं है आपको, ध्यान से देखना है, चीज़ों को समझना है कि क्या आपको करना है, ठीक। तो हम वन बाय वन चलते हैं भाई, आर्ट स्ट्रीम के बारे में चलते हैं। हमारे आर्ट के जितने भी स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए वीडियो है, मतलब आर्ट का भी देखेंगे, साइंस का भी देखेंगे और कॉमर्स का भी देखेंगे भाई, तो ऐसा नहीं कि आर्ट के लिए, हम आर्ट में देखेंगे कि एक्चुअल में आर्ट जो है किनको लेना है, कैसे लेना। एक चीज़ याद रखना, परसेंट के बेसिस पर भी कई बच्चे डिसाइड करते हैं कि अरे 70% आया मतलब साइंस लूँगा, 80 आया मतलब मैथ्स लूँगा, 70 से कम है बायो कॉमर्स ले लेता हूँ, अरे मोर तो 60 से कम है मतलब आर्ट ले, तो परसेंट साइड में रखो, क्योंकि परसेंट का आजकल हर परसेंट में लगभग मेरे हिसाब से मिल जाती है, पहले परसेंट की बाध्यता रहती थी कि नहीं मिलती थी करके, है ना, तो बट अब आजकल मिल जाता है। हम सबसे पहले साइंस के बारे में देखेंगे कि एक्चुअल में साइंस में कौन सी सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन कौन सी जॉब कर सकते हैं, पूरी डिटेल देखेंगे। तो बस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखते रहो, समझते रहो, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी का आपको सही डिसीजन के साथ आगे बढ़ा है। तो पूरी सब्जेक्ट लिस्ट मैं आपको लिए लेकर आ गया हूँ भाई, देख लो आपकी स्क्रीन पर है कि आपको पढ़ना क्या क्या है। तो जो व्हाइट वाली है ना, मैक्सिमम हमारे यही कंपलसरी सब्जेक्ट जो आपको इजीली मिलेंगे, बाकी सब्जेक्ट जो आप देख रहे हो जो इसमें, ठीक है, वो जो है रेयर केस में मिलती है। जैसे कि आपको दो लैंग्वेज पढ़ना पड़ेगा, हिंदी इंग्लिश संस्कृत में, तो जनरली आपको इंग्लिश और हिंदी पढ़ना है, और फिर हिस्ट्री जियोग्राफी और पॉलिटिकल साइंस, ये चीज़ें पढ़ना है। फिर कईयों स्कूलों में क्या होती है, होम साइंस भी अवेलेबल होती है, सोशियोलॉजी भी अवेलेबल होती है, इकोनॉमिक्स भी अवेलेबल होती है, और कौन से साइकोलॉजी भी रहती है। फिर ओकेशनल सब्जेक्ट भी रहती है, ओकेशनल सब्जेक्ट में मतलब बहुत सारा भी देखे होंगे ना, 10th में कई बच्चे एक्स्ट्रा व्यावसायिक पाठ्यक्रम का दिलाए थे उस तरीका से। तो आपको यही जो सब्जेक्ट है जिसमें से 5 सब्जेक्ट ले करके पढ़ना होगा, और इसी 5 सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा,
ठीक है। तो देखो जाहिर से होम साइंस वगैरह ये सब चीज़ बहुत कम स्कूलों में रहता है, आप पूछ सकते हो, ओकेशनल सब्जेक्ट आसानी से मिल जाती है, कई स्कूलों में रहती है तो आप उसके हिसाब से भी कर सकते हो, ठीक है। ये तो ये सब्जेक्ट पढ़ना रहेगा, ये आपको पता चल गया। फिर हम लोग देख लेते हैं कि इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद आपको क्या चीज़ें जो है मिलने वाली है। तो इस सबसे पहले उससे पहले हम क्या देखने वाले हैं कि ये जो आर्ट लेने के फ़ायदे क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। चलो समझते हैं भाई कि आर्ट लेने के क्या क्या फ़ायदे। टाइम सेवर, दूसरा लो फीस रिक्वायर्ड, इजी अंडरस्टैंडिंग, इनकरेजिंग सब्जेक्ट। भैया ये तो बोल तो दिए, तो कैसे टाइम सेवर भाई, समझो अगर आप सपोज दैट आप साइंस लेते हो, तो साइंस लेते हो तो आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा भाई। एक्स्ट्रा पढ़ने के बाद आपको कोचिंग क्लासेस वगैरह भी मे भी जाना पड़ सकता है इस तरीके से, तो कहीं ना कहीं इसमें टाइम आपकी बचती है। प्लस लो फीस रिक्वायर्ड, बाकी के लिए जैसे कि मैं बता दिया कोचिंग वगैरह जाते हो तो इसके लिए आप नहीं भी जाते हो तो भी आप सेल्फ में कर पाते हो। इजी अंडरस्टैंडिंग, आप खुद से पढ़ के चीज़ों को समझ सकते हो, है ना। और इनकरेजिंग सब्जेक्ट, इनकरेजिंग मतलब सपोज दैट आप पॉलिटिकल पढ़ोगे तो आपको कहीं ना कहीं इनकरेज होगा, अरे मुझे ये करना है। जैसे हिस्ट्री पढ़ोगे किसी के बारे में देखोगे अरे ये ऐसा किए थे, ये ही हुआ था, मतलब खुद में आप इंडिया के लिए कहा जाए तो खुद को तैयार कर पाओगे, या समाज जो बोला जाता है ना उसके लिए आप खुद को तैयार कर पाओगे। तो इस तरीके से ये इसके बड़ा फायदा होती है भाई आर्ट सब्जेक्ट, ठीक है। फिर अपन देख लेते हैं इसके आगे कि क्या क्या आप एक्चुअल में कर सकते हो, जॉब बोल सकते हैं या आगे की जो है, जैसे कि आप यूपीएससी है, बहुत से बच्चों का कॉल आता है भैया बोल रहे तो यूपीएससी करना है, जाके आईएएस आईपीएस बनना है, तो कौन सी सब्जेक्ट लेना चाहिए। तो भाई आर्ट लोगे तो बड़ा फ़ायदा होता है, हालांकि यूपीएससी ऑल सब्जेक्ट ले करके आप कर सकते हो याद रखना, बट बड़ा बेनिफिशियल तब होती है जब आर्ट लेके पढ़ते हो, क्योंकि वही चीज़ आके आपको दोबारा फिर से आपको भूगोल पढ़ना पड़ेगा, अर्थशास्त्र पढ़ना पड़ेगा, हिस्ट्री आके पढ़ना पड़ेगा, इसलिए आप पहले से पढ़ते रहो, बेनिफिट होगा। पीएससी मतलब स्टेट सर्विस जो एग्ज़ाम होती है, जैसे अपन यहाँ सीजीपीएससी होती है, एमपीपीएससी होती है, सिमिलरली उसी तरीके से रेलवे में जॉब कर सकते हो, बैंकिंग, लॉयर, टीचर्स तो आप बन सकते हो, डिज़ाइनर, डिज़ाइनर में वेब डिज़ाइनर वगैरह हो सकते, ग्राफिक डिज़ाइनर हो सकता है ना, इस तरीके से अलग अलग होते हैं, क्योंकि आर्ट वाले भाई इन लोग को बहुत मौका मिलता है। इसमें मैं जो पॉपुलर है ना उसको बोलूँगा, क्योंकि ये नहीं के बराबर लिस्ट है, आर्ट वाले लोग के लिए बहुत सारी जॉब होती है, बस आपको ये सोच के पढ़ना है कि बेहतर करना है ना। आप चाहो तो आपके पास भी उतना ही मौका रहता है जितना साइंस वाले स्टूडेंट के पास रहता है, इसलिए आप उतना ही मेहनत करके क्लास ट्वेल्थ में टॉप भी कर सकते हो अगर चाहो तो। बट हम लोग के दिमाग में रहता है कि अरे आर्ट है करके, है ना, तो हम कहीं ना कहीं वो कर लेते हैं। तो फिर नेक्स्ट वन देखते हैं किसके बारे में भाई, हम साइंस स्ट्रीम के बारे में देख लेते हैं। साइंस स्ट्रीम में देखो, हम साइंस साइंस बोलते हैं तो कई बच्चे बोलते हैं आप मैथ्स के बारे में नहीं बात कर रहे हो, भाई साइंस स्ट्रीम में तीनों आता है। तीनों कौन कौन सा भैया, स्क्रीन में देख लो, आपका मैथ्स आता है, ठीक है, मैथ्स आता है आपके साइंस स्ट्रीम में, और कौन आता है भाई, ये तो मैथ्स हो गया, आपका मैथ्स प्लस बायो आता है, मतलब आप दोनों लेकर के भी पढ़ सकते हो, याद रखना एक साथ दोनों लेकर के भी पढ़ सकते हो, और सिर्फ बायो, प्योर बायो, प्योर मैथ्स, प्योर बायो और मैथ्स प्लस बायो। आप बोल रहे प्योर प्योर प्योर, इसमें और भी सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा भाई। देखो कई लोग क्या करते हैं, मैथ्स उनको फेवरेट रहता है ना, मैथ्स ले लेते, बट उनको पता नहीं रहता कि उस मैथ्स में फिजिक्स भी पढ़ना है और केमिस्ट्री भी पढ़ना है करके। तो आपको जब भी ये स्ट्रीम लोगे ना मेरे भाई मेरे बहन, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री को, क्योंकि मैथ्स और बायो से ज़्यादा आपको कोई रुला सकते सब्जेक्ट तो वो फिजिक्स या केमिस्ट्री हो सकते हैं, ठीक है। और आप लोग को पता है केमिस्ट्री क्या बला है अभी छत्तीसगढ़ में, दो साल अगर मैं छत्तीसगढ़ बोर्ड की बात करूं तो दो सालों में उन्होंने क्या तमाशा करके रखा है बच्चों के साथ, वो आप लोग को पता है, ठीक है। तो अपन आगे बढ़ते हैं, चलो आप लोग इसमें से मैथ्स बायो, ये एडिशनल मतलब दोनों लेकर के पढ़ सकते हैं, तो उसमें क्या क्या चेंजेस होगी वो चीज़ें हम समझते हुए चलते हैं। तो देखो वाई साइंस है ना, साइंस क्यों, तो भाई जिन लोगों को क्या करना है भाई मैं बता देता हूँ, जैसे कि कोई भी हमारे स्टूडेंट है उनको क्या करना है, इंजीनियरिंग करना है, किसी में भी इंजीनियरिंग बी या हो सकता है, बीटेक हो सकता है, या पॉलीटेक्निक हो सकता है, पॉलीटेक्निक भी इंजीनियरिंग ही होती है, तो वो उनको क्या करना पड़ेगा, मैथ्स लेके पढ़ना होगा, ठीक है। आर्किटेक्चर बनना है आपको, आर्किटेक्ट बनना है, ठीक है, आर्किटेक्ट भी अलग अलग होती है, वो कर सकते हो, वो बनना है। बीएससी आपको करना है कि मैथ्स में, साइंस में या फिजिक्स में, देन आपको मैथ्स लेके पढ़ना पड़ेगा। आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन पर वर्क करना है, कोई सा भी कंप्यूटर एप्लीकेशन आपको बनाना है, है ना, रोबोटिक्स पर काम करना है आपको, देन आपको मैथमेटिक्स लेके पढ़ना पड़ेगा, ठीक है।
और अगर आपको जैसे कि MBBS हो गया, नर्सिंग हो गया, BDS हो गया, फार्मेसी हो गया, फार्मेसी भी अलग अलग होती है ना, नर्सिंग भी अलग अलग होती है, फिर BSc आपको करना है ना, तो इस तरीके से अगर आपको अलग अलग करना है ना, तो ये चीज़ें समझ लो, अगर ये सब चीज़ें करना है देन आपको किस पर जाना पड़ेगा, साइंस पर जाना पड़ेगा, पूरी लिस्ट समझ लो आपको। तो चलो ये तो क्लियर है भाई, अब साइंस में क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा वो चीज़ों बता दो, फिर हम फाइनल डिसीजन की ओर जाएंगे। तो चलो भाई आपकी स्क्रीन पर आ गई है कि आपको क्या क्या ले सकते हो, क्या क्या पढ़ सकते हो। देखो जैसे मैथ्स लेते हो तो आपको PCM पढ़ना पड़ेगा, PCM मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, और आप बायोलॉजी लेकर के पढ़ते हो तो आपको PCB लेना पड़ेगा, PCB मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, और हिंदी और इंग्लिश ये तो कंपलसरी सब्जेक्ट है भाई दोनों में, ठीक है, इस तरीके से रहेगा। फिर एडिशनल लेते हो PCMB लेकर के पढ़ते हो, क्योंकि एडिशनल लेकर के आप या तो मैथ्स को एडिशनल रखा सकते हो या बायो को, दोनों में से मतलब वो एडिशनल सब्जेक्ट है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है अगर दोनों लेके पढ़ते हो। तो ये लेने का मतलब ये होता है कि आप जैसे 11th में एडिशनल लेके पढ़े तो आप 12th में जा करके किसी या तो मैथ्स के बस लेकर के पढ़ सकते हो या बायो या दो एडिशनल लेके जा सकते हो। फिर 12वीं के बाद भी आपके पास डबल ऑप्शन है कि आप मैथ्स वाले रास्ते पर भी जा सकते हो और बायो वाले रास्ते पर भी जा सकते हो, इस तरीके से आपके पास बड़ा ये फायदा होती है ना, आपको उस टाइम डबल ऑप्शन रहता है कि आप ये चीज़ें कर सकते हो करके। क्लियर है, तो ये रहा साइंस का भाई, अपन फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किसके बारे में, कॉमर्स का है ना, तो कॉमर्स का भी समझते हुए चलते हैं इसमें। कॉमर्स वाले लोग के लिए भाई स्वागत है सभी कॉमर्स वाले बच्चों का। तो देखो यहाँ पर समझते हैं कॉमर्स सब्जेक्ट लिस्ट। कॉमर्स में मेनली आपको जो ये इतनी सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है, बाकी किसी किसी स्कूलों में फिजिकल भी मिल जाती है और आपका क्या मिल जाती है भाई, मैथ्स भी मिल जाते हैं, फिजिकल स्टडी और एजुकेशन जो होती है वो, और मैथ्स भी मिल जाती है। तो जिनको मैथ्स में इंटरेस्ट है ना वो लेकर के मैथ्स भी, मतलब यहाँ से ये तीन मेजर सब्जेक्ट है, उन तीनों मेजर सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट को छोड़ना पड़ेगा आपको, किसी को भी छोड़ सकते हो क्योंकि 5 सब्जेक्ट चूज करना होता है इसमें से, लेकिन आपको ये पूरी सब्जेक्ट नहीं मिलने वाली, ठीक है, ये समझ लो। आपको सिर्फ जो यहाँ पर पीला कलर में दिख रहा है ना, येलो में, वही चीज़ें आपको मिलने वाला है, इसलिए चीज़ों को समझना है। हिंदी इंग्लिश पढ़ना है, अकाउंट पढ़ना है, इकोनॉमिक्स बिजनेस स्टडी पढ़ना है, ठीक है, फिर ये किसी किसी स्कूल में मिल जाता है दोनों सब्जेक्ट। तो ये तो रहा सब्जेक्ट लिस्ट, फिर अपन देख लेते हैं जॉब लिस्ट है भाई इसके, कि क्या क्या एक्चुअल में इसके जॉब लिस्ट है। तो देखो आफ्टर 12th आप लोग BCom कर सकते हो, जनरल BCom होती है, किसी भी सब्जेक्ट में BCom कर सकते हो। फिर BCom तो बहुत सारा होता है भाई, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में हो सकता है, मार्केटिंग में, मैनेजमेंट में, अलग अलग BCom होती है, BCom ऑनर भी होती है, बहुत सारा BCom होती है, ठीक है, स्टैटिक्स पर भी BCom कर सकते हो, है ना। फिर उसी तरह LLB हो गया, CA हो गया, CS हो गया, ये सब चीज़ें अगर आपको करना है तो आपको कॉमर्स की तरफ जाना पड़ेगा। क्लियर है, देखो और भी डाउट रहेगा तो हम बाकी जो वीडियो है जिसमें कुछ चीज़ें, क्योंकि एक ही वीडियो में पूरी चीज़ कवर करना पॉसिबल नहीं हो पाती, तो हम बाकी चीज़ों के लिए आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए स्पेसिफिक वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहां से जा कर के इसको देख सकते हो, ठीक है। तो फिर भाई हम जो है इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी भी ना हो और कम टाइम में आप चीज़ें समझ गए। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे और एक सही डिसीजन लेंगे, तब क्या लेने वाले वो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।